यहाँ पे आप ये जो संगमरमर की जो मूर्त है, इसी के बगल से ये जालियांवाला बाग है, इसके अंदर पे एंट्री होती है। तो हम लोग अभी इसके अंदर एंट्री करेंगे। तो ये एंट्री पे दीवार पे ऐसे मूर्त बनी हुई है। तो यहाँ पे मैप दिया हुआ है कि कहाँ पे आपको क्या मिलेगा। तो ये एंट्री है एग्ज़िट के लिए, उधर पे है। जैसा कि अभी मैंने इधर पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्होंने बताया कि एंट्री के वाले इधर से है, एग्ज़िट आपको गैलरी के साइड से करना पड़ेगा। तो गैलरी बंद से चलते हैं। चलते हैं गैलरी टू की ओर। और सभाएं करने पर प्रतिबंध लग चुका है।
12:30 के करीब जनरल डायर को जलियांवाला बाग में होने वाली सभा की जानकारी दी और उसने कुछ करने की ठान ली। हजारों हिंदुस्तानी अपने नेता हंसराज को सुन रहे थे। तभी एक गुजरते हुए हवाई जहाज ने उन्हें बेचैन कर रहा है। हंसराज ने उन्हें आश्वासन दिया कि चूंकि सभा शांतिपूर्ण थी, डरने की कोई बात नहीं थी। हालांकि कुछ समय बाद सैनिकों के मार्च करने और बख्तरबंद वाहनों की आवाजों से हंगामा मच गया। जनरल डायर बाग के दरवाजे पर आ रहा था। गली संकरी होने के कारण वो अपने बख्तरबंद वाहन अंदर नहीं ले जा पाया। उसने अपने 90 सैनिकों को पोजीशन लेने का हुक्म दिया। ना कोई चेतावनी, न बाग खाली करने का आदेश और न ही सभा भंग करने की घोषणा। केवल एक हुक्म जारी हुआ। सिर्फ 10 मिनट में 1650 गोलियां बरसी और भीड़ में से बहुत ही नदियां बहने लगी। हर तरफ मौत के जानवर चढ़ने लगे। छोटे बच्चों तक को नहीं बख्शा। बचने की तलाश में कुछ लोग दीवार नाम में लगे, कुछ कुएं में कूदे तो कुछ बचते बचाते कुएं में गिर पड़े। जल्द ही कुआं घायलों और मृतकों से भर गया। गोलियां बरसती रही। 1000 हिंदुस्तानी शहीद हुए और 1500 से ऊपर घायल। गोलियों का भंडार खत्म होते ही घायलों और मृतकों को वहीं तड़पता छोड़ डायर बिना किसी पछतावे के उस भयावह जगह से निकल गया। अमृतसर ने आज तक ऐसी काली रात न देखी थी। 24 घंटे तक घायल बिना पानी या किसी सहायता के पड़े रहे। उनकी खबर लेने वाला कोई भी न था। कितना खौफनाक दृश्य था वो। वो दर्द और यातना, जानलेवा सन्नाटा और गहन आघात आज भी हिंदुस्तान के सीने में गूंज रहे हैं। फ्रेंड्स, गैलरी 2 में ये दिखाया जा रहा है कि कैसे जालियांवाला बाग का यहाँ पे हत्याकांड हुआ था। उसका पूरा वीडियोस दिखाया गया है जो कि बहुत ही डिटेलिंग वे पे है। अब चलते हैं गैलरी नंबर 3 पे। तो यही वो कुआं है जहाँ पे बहुत लोगों ने कूद कर अपनी जान बचाने के चक्कर में बहुत लोगों ने अपने जान गंवाए हैं। जब यहाँ पे गोलियाँ चली होंगी तो जब लोग यहाँ से भाग नहीं पा रहे होंगे तभी वो इस कुएं में आके कूदे होंगे ताकि वो गोलियों से बच जाएं। तो यही वो दीवार है जहाँ पे गोलियों के निशान अभी भी हैं।
आप देख सकते हैं कि स्क्वायर पे जो चिन्ह किया गया है उसके अंदर पे जो आपको होल दिख रहा है वो गोलियां लगने के कारण हुई थी। ये गैलरी नंबर 3 है, 1-2 हमने कंप्लीट किया और उसके बाद हमने वो कुआं देखा, देन उसके बाद हमने देखा कि कहाँ पे गोलियों के निशान हैं। अब गैलरी 3 चलते हैं। ये बरगद का भी पेड़ बहुत पुराना लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोटस है जो कि येलो वाली है, येलो कलर की लोटस। तो अब चलते हैं गैलरी 4। इधर पे गैलरी 4 है। अंग्रेजों का भारतीय राष्ट्रवाद को अत्याचारों द्वारा बुझाने का सपना चूर चूर हो गया। अंग्रेजों द्वारा लगाई गई रोक के बावजूद जनसंहार, लोगों पर गोलीबारी और त्योहार को खूनी होली में बदल देने की खबर आसपास के गांव तक पहुंच गई और एक 12 साल के लड़के ने ही ये खबर सुनी। आंखों में आंसू थे और दिल में गुस्से का तूफान, और वो खुद अपनी आंखों से देखना चाहता था अंग्रेजों के अत्याचारों को। जी हाँ, इस लड़के का नाम भगत सिंह था। वो लड़का जिसका चाचा अजीत सिंह अंग्रेज सरकार को पहले ही चुनौती दे रहा था,
इस बालक के आशीर्वाद और निश्चय उसको जलियांवाला बाग पर खींच लाए और जो कुछ उसने देखा उसने उसका क्रांतिकारी भविष्य तय कर दिया। इसके साथ ही एक ऐसा क्रांतिकारी इस जनसभा से पैदा हुआ जिससे अंग्रेज खौफ खाते रहे। किसे पता था कि ये लड़का एक दिन न केवल भारत को आजाद कराने के लिए क्रांतिकारियों की अगुवाई करेगा बल्कि उसकी शहादत के बाद भी उसका नाम हर भारतीय की जबान पर होगा। भगत सिंह ने शुरू में गणेश शंकर विद्यार्थी के संग काम किया पर जल्द ही वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी थे और फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सिपाही बन गए। उनके वीरता भरे कारनामों में से दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में भुवनेश्वर दत्त के साथ धुएं के बम फेंकना प्रमुख है। वो वहां से भाग नहीं सकते थे लेकिन उन्होंने क्रांतिकारी नारे लगाते हुए उनको गिरफ्तार करा दिया। वो असली बम नहीं फेंक सकते थे पर उन्होंने साबित किया कि वो कातिल नहीं है और वो सही थे कि इस धमाके की गूंज लंदन तक सुनाई पड़ी। इन बलाम जिंदाबाद के नाम से लाहौर जेल गूंज और यह देश और खासकर नौजवान उनके साथ आ खड़े थे। इन नौजवानों पर राजद्रोह के विभिन्न मुकदमों सहित लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए की गई सोनस की हत्या का मुकदमा भी चला। 23 मार्च 1931 को उसे चुपके से राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। ये था वो राष्ट्रवाद जो जलियांवाला बाग ने गोलियों की आवाज और लोगों की बराबर से निकला था और जिसके चलते उधम सिंह ने 1941 में लंदन के बॉक्सटन हॉल में माइकल ओ'ब्रायन को गोली मारकर इस जलसभा का बदला ले लिया। और ये अमर ज्योति गैलरी 4 के बगल में आपको मिलेगा जो कि आप देख सकते हो कि जो फ्लेम जो जल रहा है वो शहीदों को समर्पित है और ये 24x7 ये जलते रहेगा।